हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं AIPMT 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में AIPMT 2021 के बारे में फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ AIPMT 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन AIPMT 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर AIPMT 2021 के रिगार्डिंग और कोई भी नया अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ आता है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं AIPMT 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना है AIPMT 2021, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको AIPMT 2021 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी। तो आपको सिंपली आगे cet.co.in लिख के गूगल में सर्च कर लेना होगा। अब जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो सर्च करते ही आपको जो सबसे पहला रिजल्ट दिखा देगा गूगल में, उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको AIPMT 2021 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिल जाएगी। लाइक सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं AIPMT 2021 का यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया गया है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और फिर उसी के आगे एक और चीज़ आपको बता दी गई कि पहले इस एग्ज़ाम का जो नाम था वो AIPMT था, लेकिन इस एग्ज़ाम का नाम अभी रिप्लेस करके नीट कर दिया गया है, NEET, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से जानते भी होंगे नीट एग्ज़ाम, तो पहले जो नीट एग्ज़ाम है उसे AIPMT के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसे जो रिप्लेस करके अभी नीट कर दिया गया है। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को MBBS, BDS कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, अगर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में, तो उसके लिए आपको जो है इसका एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना होगा, इसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको जो है इस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन मिल सकता है MBBS या BDS कोर्सेज के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे हम नीचे इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर में रिलीज हो जाते हैं, उसी के साथ साथ इसका जो एडमिट कार्ड है अप्रैल में आपको अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोडिंग के लिए, और मई में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा इसका। अब बात की जाए अगर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ एक और जो सबसे बड़े इशू स्टूडेंट फेस करते हैं AIPMT 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि जब कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो है उन्हें किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, तो जब उनसे एप्लीकेशन में कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, तो किसी भी फॉर्मेट और किसी भी साइज में अपलोड कर देते, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना है, क्योंकि हम आगे AIPMT 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे। उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने जो फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हो, कौन से फॉर्मेट और कितने साइज में आपको जो फॉर्म सेव करना रहेगा, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में बता दी जाएगी। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे JPG फॉर्मेट में हमें जो फोटोग्राफ सिग्नेचर को सेव करना है, तो उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ करके भी बताई जाएगी, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात कीजिए एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल क्लास की वो 1400 रुपीज़ रहेगी, यानी कि 1400 रुपीज़, और जो SC ST और PH क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ी है वो 750 रुपीज़ रहने वाली है। आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस, AIPMT 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको इसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मीट करना ज़रूरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होगी, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। उसी के साथ इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो गाइस, AIPMT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे पूरी तरह से दे दी गई, आप देख सकते हैं। लाइक आप लोग का पेपर जो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड, तीन उसी के साथ आप कैंडिडेट जो है तीन टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा टाइम जो इस पेपर के लिए अटैम्प नहीं कर सकता है। जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको उस पर टिक करना होगा। नंबर ऑफ क्वेरीज की बात की जाए, तो टोटल 180 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे, टोटल आप लोगों को 3 घंटा दिया जाएगा।
जो है कंप्लीट करना होगा। उसी के साथ लैंग्वेज की बात की जाए तो पेपर जो है टोटल 10 लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करा जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, ओरिया, आसामी और कन्नड़ा। तो इसमें से जो भी लैंग्वेज आप प्रीफर कर सकते हैं उस लैंग्वेज में आपको पेपर जो है वो मिल जाएगा। मार्किंग्स की बात की जाए तो हर एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स जो है काटा भी जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। अब बात की जाए सिलेबस की तो गाइस यहाँ पे सिलेबस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दे दिया गया टॉपिक्स, और उसी के साथ आप अपना 12th का सिलेबस भी जो है 11th 12th का उसे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप जो है फुल डिटेल सिलेबस AIPMT 2021 का आसानी से वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस AIPMT 2021 का जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को एग्जाम सेंटर से वापस भेज दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इशू फेस होती है स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाते कब AIPMT 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होता है, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है वो एंड हो जाती है, और वो इस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है ताकि जैसे AIPMT 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके अगले ही पल आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। उसी के साथ अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो की जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं आप लोगों को जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको रिजल्ट चेक करने का ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी जिस पे सिंपली एक क्लिक के थ्रू अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आए हो अभी आप लोगों को AIPMT 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।